चलिए गाइस, सो वी ऑल विल स्टार्ट नाउ। अपना क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुका है। आई होप सो, जो कल वाला क्वेश्चन था एवरीबडी हैड कंप्लीटेड ओनली। ओके, जस्ट एक चीज टुवर्ड्स द एंड आई विल बी सेइंग, क्योंकि आप लोग वैसे भी कर सकते थे, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे को वैसे भी आंसर बताया था। तुम लोग को कल वाला लास्ट वाला क्वेश्चन दैट यू ऑल हैड डन वो याद है वैसे? ठीक है, सुनो। वहां पे ना एक चीज था कि हम लोग पी को एस के अंदर कन्वर्ट करने का है कि नहीं, तो हम लोगों ने तो डायरेक्टली कंक्लूजन दे दिया था जब भी नहीं, पी को किस किसके अंदर कन्वर्ट करने का है, एस के अंदर, बराबर बराबर। तो पहले अपना प्रॉफिट 2,60,000 था जब भी पी और क्यू था, जब भी एस और क्यू हो गया था अपना प्रॉफिट 2,17,500 था। सो व्हाट वी ऑल टोल्ड, प्रॉफिट इज फॉलिंग, नो तो नहीं प्रोसेस करने का। आप लोग इसके बदले में डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग भी कर सकते थे। अभी तुम लोग अपना दोनों स्टेटमेंट्स वो खोलो जो दोनों कॉशीट्स है, मेरे को वहां से नंबर्स बोलने का ट्राई करना, एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। ओके, अपनी दोनों कॉशीट जरा देखो, मेरे को जरा बोलो, जब एस बेचते हो, एस बेचते हो तो अपने को सेल्स कितने का आता है? 7,12,500। 7,12,500। तो अगर मैंने पी को प्रोसेस करके एस की फॉर्म के अंदर बेचा तो इतने का सेल्स आता है। मेरे को बोलो, जब पी बेचते थे फर्स्ट कॉस्ट शीट के अंदर तो कितने का सेल्स होता था? 5,70,000। तो अभी आगे मत बोलो, आई एम टेलिंग यू ऑल नाउ इन अ डायरेक्ट वे ओनली। तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू 142,500 था, एक्स्ट्रा कॉस्ट 1,85,000 था। 1,85,000 यू ऑल रिमेंबर। बस तो यहां पे अगर पी को एस के अंदर कन्वर्ट करोगे, एक्स्ट्रा लॉस कितने का आ जाएगा? 42,500। एंड दिस 42,500 इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ दीज टू। आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, बट व्हाट आई थॉट, अपने को वैसे भी कॉस्ट शीट्स तो बनाने का ही था, क्योंकि सबने बोला था, तो कॉस्ट शीट से प्रॉफिट आया तो मैंने उसी से कंक्लूजन देके काम खत्म कर दिया। इज दिस ऑल ओके? दिस इज योर डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग वाला पार्ट दैट वी ऑल हैड डन। ओके, तो अगर आप लोग चाहो इंस्टेड ऑफ मेकिंग दोज टू कॉस्ट शीट्स, ओके, लेकिन वो दोनों कॉस्ट शीट्स आपको फिर भी बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि सम ने वो बोला हुआ था, तो इसीलिए आई गेव द कंक्लूजन फ्रॉम देयर ओनली। ओके, क्योंकि यहां पर वो लिखा हुआ था, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड अपॉन एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड बेस्ड अपॉन फर्दर प्रोसेसिंग। अगर ये वाला लाइन नहीं होता, सिर्फ अगर यही पूछा होता ना, विल यू रिकमेंड द फर्दर प्रोसेसिंग, तो ऑनेस्टली कल हम लोगों ने जो भी काम किया ना, मैं कुछ भी काम नहीं करता, उसके बदले में डायरेक्टली बस ये वाला एक स्टेटमेंट वो बना के सम खत्म कर देता। इज दैट फाइन? यस। चलो ठीक है, सुन, अपना ये वाला काम इज ऑल टुगेदर डन। अभी क्वेश्चन नंबर 12 लाइक येस्टरडे इज गोइंग टू बी योर वर्क। ओके, यू आर गोइंग टू बी फिनिशिंग ऑफ दिस एंटायर थिंग। ओके, तो आप लोगों को वो करने का है, ध्यान देना और कर पाओगे, ये इजी चीजें हैं। पढ़, सनशाइन ऑयल कंपनी परचेजेस क्रूड वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, इट डज रिफाइनिंग ऑफ द सेम, ठीक है। द रिफाइनिंग प्रोसेस रिजल्ट इन टू फोर प्रोडक्ट्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, MNO NP, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल का प्रोसेसिंग होता है, चार प्रोडक्ट्स बाहर आ जाते हैं MNOP। प्रोडक्ट ओ इज फुल्ली प्रोसेस्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ओके। प्रोडक्ट MNNP कैन बी इंडिविजुअली फर्दर रिफाइन इन टू सुपर एम, सुपर एन एंड सुपर बी। तो एक मिनट, इन लोगों ने क्या बोला, प्रोडक्ट ओ इज फुल्ली प्रोसेस्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। मेरे को बोलो इस लाइन का मतलब क्या होएगा? मतलब इसके आगे अभी प्रोसेसिंग नहीं हो सकता, जो भी ओ के साथ कर सकते थे वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक हो चुका है, उसके आगे यहां पे और कोई प्रोसेसिंग वगैरह नहीं होने वाला। लेकिन एम एन और पी को आप लोग आगे प्रोसेस कर सकते हो इंटू सुपर एन, सुपर एन एंड सुपर पी। आगे, इन द मोस्ट रिसेंट वन द आउटपुट वॉज प्रोडक्ट एम इतना गैलेंस, एन इतना गैलेंस, ओ इतना गैलेंस, पी इतना गैलेंस, ठीक है। द जॉइंट कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द क्रूड वेजिटेबल ऑयल एंड परचेजिंग इट वॉज 40 लैक्स। तो ऑब्वियसली ये आप लोगों का ज्वाइंट कॉस्ट हो गया,
सनशाइन हैड नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्रीज. चलो ठीक है. सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ओ इन अक्टूबर वॉज 20 लाख. ठीक है, तो ओ वाला जो प्रोडक्ट है उसका सेल्स 20 लाख रुपीज का होएगा. एक सेकेंड, अगर वो लोग बोलता है कि अपना कोई बिगनिंग और एंडिंग इन्वेंट्रीज नहीं है, तुमको एक चीज मैं बोल सकता हूं, सेल्स फॉर द पीरियड एंड सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट विल मीन द सेम थिंग. इज दिस लाइन ओके? क्योंकि पूरा आउटपुट बिक गया ना, तो ये देने के सेल्स और सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट सेम होगा. टोटल आउटपुट ऑफ एम एन एन पी वॉज फर्दर रिफाइंड एंड देन सोल्ड. तो वो लोग क्या बोलते हैं, एम एन और पी को ना हम लोगों ने आगे प्रोसेस किया और फिर बेचा. मतलब हम लोग एम एन और पी नहीं बेचते, हम लोग कौन से प्रोडक्ट्स बेचते हैं नाम बोलो? वो सुपर एम, सुपर एन और सुपर पी. आगे डेटा रिलेटिंग टू अक्टूबर वर एज फॉलोज. प्रोडक्ट सुपर एम, सुपर एन, सुपर पी. फर्दर कॉस्ट टू मेक सुपर प्रोडक्ट्स, तो ऑब्वियसली दीज आर पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट 80, 32, 36 और उसके बाद सेल्स इतने का होता. सनशाइन हैड द ऑप्शन ऑफ सेलिंग एम एन एन पी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. तो अपने पास एम एन और पी के लिए एक ऑप्शन था, हम लोग स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर भी बेच सकते थे. दिस ऑल्टरनेट वुड हैव यील्डेड द फॉलोइंग सेल्स फॉर अक्टूबर. चलिए ठीक है, तो अगर हम लोग स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच देते एम एन और पी, इतना 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 बिक जाता. ठीक है, आगे यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर हाउ द जॉइंट कॉस्ट ऑफ 40 लाख रुपीज वुड बी एलोकेटेड बिटवीन ईच प्रोडक्ट अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स. सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, फिजिकल आउटपुट मेथड एंड एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड. एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोले तो नोशनल सेल्स वैल्यू. ठीक है, सुनो. अच्छा मेरे को जरा बोलो, तुम लोगों ने पूरा का पूरा सम पढ़ा, यहाँ पे किधर भी तुम लोग को प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंटेजेस वगैरह कुछ दिया हुआ है? नहीं. तो यहाँ पे नोशनल सेल्स मतलब ओरिजिनल वाला वो नोशनल सेल्स. ओके, वो एडजस्टेड वाला मेथड नहीं. तो नोशनल सेल्स के अंदर हम लोग नोशनल सेल्स कैसे लेकर आते हैं? फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, जो हम लोगों ने फर्स्ट डे किया था. ठीक है. कुड सनशाइन हैव इंक्रीज्ड इट्स अक्टूबर इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बाय मेकिंग डिफरेंट डिसीजंस अबाउट फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ एम एन एन पी? शो द इफेक्ट ऑफ एनी चेंजेस यू रेकमेंड ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स. चलिए ठीक है, तो अपने को ना पार्ट वन के अंदर जॉइंट कॉस्ट तीन बार बांटने का है. वंस बेस्ड अपॉन सेल्स वैल्यू मेथड, वंस बेस्ड अपॉन फिजिकल आउटपुट मेथड, गैलन्स, क्योंकि आउटपुट गैलन्स के अंदर आ रहा है, एंड लास्ट वाला इज एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, बोले तो नोशनल सेल्स. ठीक है, तुम लोग 2 मिनट के लिए वेट कर लेना, उसके बाद यू ऑल कैन स्टार्ट. ठीक है, मेरा डिस्कशन 2 मिनट के अंदर हो जाएगा. ये तुम्हारा पार्ट वन है. दिस इज अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट बेस्ड ऑन सबसे पहले वाला जो तुम्हारा मेथड है, इट इज सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. ओके, अभी ध्यान से सुनना, क्योंकि तुमको एक दो जगह पर डाउट आ सकता है कि सर इसका क्या करने का. दिस इज सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. ठीक है, तो यहां पे आ जाएंगे प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स के अंदर एम आ जाएगा, एन आ जाएगा, ओ आ जाएगा, पी आ जाएगा. याद रखना ओ भी तुम्हारा प्रोडक्ट है, खा मत जाना उसको. ठीक है. अच्छा, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट के लिए मेरे को सेल्स वैल्यू चाहिए. यार सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, इस क्वेश्चन के अंदर उन लोगों ने आउटपुट और सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बदले में यही वाला नंबर्स डायरेक्टली वो दे दिया. जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन हो जाएगा इसी रेशो के अंदर. सुनो, अभी जॉइंट कॉस्ट इस क्वेश्चन के अंदर 40 लाख रुपीज का था. ठीक है, कुछ चीजें तुम्हारी स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली इस वक्त हैं. मेरे को जरा बोलना, एम एन ओ और पी का भी सबका किधर ना किधर तो है डेटा. मेरे को बोलो एम का सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेटा कितने रुपीज का है? 20 लाख. ये वाला 20 लाख इधर है, एम का है, एन का है. मेरे को बोलो ओ का कितना था? 20 लाख. ओ का ऊपर था अपने पास, यहाँ पे सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ए इन अक्टूबर वॉज इन दिस केस 20 लाख, तो वो डायरेक्टली था अपने पास. और यहाँ पर पी, ठीक है. सो देयरफॉर बस मेरे को यही वाले नंबर्स तो चाहिए थे. 12 लाख, सॉरी 20 लाख, 12 लाख, ओ का 20 लाख और उसके बाद पी का दैट वॉज 28 लाख. ठीक है, इस रेशियो के ना डिवाइड करोगे थिंग्स विल बी ओवर. इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट मेथड. ठीक है, आउटपुट मेथड के अंदर ऑब्वियसली यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम कॉलम्स ही आएंगे.
लेकिन सेल्स वैल्यू के बदले में ऑफ कोर्स यहां पर क्या आ जाएगा, आउटपुट। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आउटपुट। अभी किधर ना किधर तुम लोग जरा सम का डेटा देखो, थोड़ा सा डेटा अभी मैं और दिखा रहा हूं, मेरे को जरा बोलो यहां पर एम एन ओ और पी का आउटपुट कितना है बेटा? 3 लाख 1 लाख, एक 3 लाख हो गया, एक उसके बाद 1 लाख हो गया, फिर उसके बाद एक 50,000 और एक 50,000। ओके, बस मेरे को भी मालूम है तुम लोगों को ना इन चीजों का दिक्कत नहीं आता कभी भी। ठीक है, तुमको मैक्सिमम ये चीज का दिक्कत आ सकता था, दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल राइट नाउ। ओके, तो सुनो, अभी ये जो तुम्हारा थर्ड मेथड है ना, ये जो तुम्हारा थर्ड मेथड है, दिस इज नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड। ठीक है, ये जो नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड है, आई विल राइट डाउन द सेम नेम जो बुक के अंदर है, उन लोगों ने यहां पर जो मेथड वो बोला हुआ है एस्टिमेटेड एनआरवी। एस्टिमेटेड एनआरवी इज नथिंग बट नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड। ठीक है, सुन, अच्छा नोशनल सेल्स वैल्यू अपने को कैसे मिलता है? इट इज नथिंग बट फाइनल सेल्स वैल्यू। आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो। उसके अंदर से हम लोग पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट सब्ट्रैक्ट कर लेगा, तो अपने को यहां पर क्या मिल जाएगा? नोशनल सेल्स वैल्यू। ठीक है, ये जो भी नोशनल सेल्स वैल्यू होएगा, हो जा भाई छोड़ दो। हाँ, तो यहां पर इन दिस पर्टिकुलर केस नोशनल सेल्स वैल्यू, एक बार तुम्हारा ये वाला काम हो जाएगा, जॉइंट कॉस्ट इस रेशियो के अंदर अपोर्शन हो जाएगा। अभी इसके अंदर एक कैच क्या है, सुनो, पहले मेरे को जरा बोलो फाइनल सेल्स वैल्यू, सिर्फ पी का ही बोलो ना, मेरे को सिर्फ पी का ही डेटा बोलो ना, सॉरी एम का डेटा, एम का डेटा, एम का फाइनल सेल्स वैल्यू 1 करोड़ 20 लाख। सो आई विल राइट ऑन 120 लाख। ठीक है, मेरे को बोलो एम का पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट कितना है? 80 लाख। तो इसका यहां पे नोशनल सेल्स वैल्यू कितने का आ जाएगा? 40 लाख। वैसे ही एम का कर लेना, वैसे ही पी का कर लेना, लेकिन ओ का तो वो हो ही नहीं पाएगा, लेकिन हो नहीं पाएगा तो निल नहीं डालना बेटा। मेरे को बोलो मैं क्या करूं ओ के लिए, मैं क्या करूं ओ के लिए? फाइनल सेल्स वैल्यू नहीं दिया हुआ, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट नहीं दिया हुआ, मेरे को बोलो ये दोनों चीजें तो क्यों नहीं दिया हुआ? क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो सकता। तो मैंने तुमको फर्स्ट डे एक लाइन बोला था, नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड इज नॉट सम थर्ड मेथड। ओके, इट विल रिप्लेस सेल्स वैल्यू व्हेन सेल्स वैल्यू इज नॉट अवेलेबल। तो मेरे को बोलो ना यार मैं क्या करूं? तो तुम्हारा यहां पर मैं डायरेक्टली एक्चुअल सेल्स ही लिख देगा ओ का, दैट इज 20 लाख। उसके लिए ये कॉलम के अंदर कुछ मत लिखना, ये कॉलम के अंदर कुछ मत लिखना, डायरेक्टली नोशनल सेल्स वैल्यू विल बी नथिंग बट एक्चुअल सेल्स वैल्यू। इज दैट ओके? ठीक है, बस वंस यू आर गोइंग टू बी डूइंग दिस, ये चारों चीजों का वो टोटल मारना, जॉइंट कॉस्ट ऑफ 40 लाख इस रेशियो के अंदर डिवाइड कर देना। ठीक है, सुनो, ये हो जाएगा तुम्हारा पार्ट वन, ये हो जाएगा सब लोग का? ठीक है, थोड़ा सा तो चिल्ला के बोलो यस सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो बाजू वालों को डिस्टर्ब नहीं करने का, अभी मेरी बात सुनो, सुनो। पार्ट टू, कुड सनशाइन हैव इंक्रीज इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय मेकिंग डिफरेंट डिसीजंस अबाउट फर्दर रिफाइनिंग ऑफ एम एन एन पी? उन लोगों ने ओ क्यों नहीं पूछा? ओ के लिए आगे कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। शो द इफेक्ट ऑफ एनी चेंज दैट यू रेकमेंड ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। तो एक सेकेंड, ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, शो द इफेक्ट ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, दैट आई विल टेक केयर, दैट आई विल नॉट टेल यू ऑल टू डू, बट आई एम टेलिंग यू ऑल समथिंग टू डू। देखो, कभी भी इस पूरे चैप्टर के अंदर वो लोग तुमको कोई भी सजेशन पूछेगा ना, वो सजेशन इसी चीज के बारे में होएगा कि भाई फर्दर प्रोसेस करने का कि नहीं, और वो लोग तुम लोगों से क्या पूछ लेगा यार इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अच्छा आगे प्रोसेस करने का कि नहीं, उसके लिए टर्म होता है, वो टर्म क्या होता है? डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग, तुम लोग डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग ऑब्वियसली यहां पे तीन प्रोडक्ट्स के लिए करोगे, एम एन और पी। अच्छा मेरे को बोलो, करंटली वैसे हम लोग एम एन और पी को यहां पे लिखा भी हुआ है, हम लोग वैसे ही बेचते हैं कि प्रोसेस करके बेचते हैं? एम एन और पी को हम लोग प्रोसेस करके बेचते हैं कि वैसे ही बेचते हैं? प्रोसेस करके। देखो यहां पे लिखा हुआ है टोटल टोटल आउटपुट ऑफ एम एन एन पी वॉज फर्दर रिफाइंड एंड देन सोल्ड, तो प्रोसेस करके बेचते हैं। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग यहां पर कैसे वो आने वाला है, प्रोसेस करके बेचेंगे तो कितना 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 मिलेगा तुमको समझेगा? यू विल बी राइटिंग सेल्स ऑफ, मैं क्वेश्चन ही दिखा रहा हूं,
यू विल बी राइटिंग सेल्स ऑफ सुपर एम, सुपर एन एंड सुपर पी. ये समझा सब लोग को? प्रोसेस करके बेचते हैं तो ऐसे बेचेंगे. इसके अंदर सेमे को बोलो क्या लेस करूं, लेस बोलो बोलो बोलो, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. ओके, तो ये आ जाएगा तुम्हारा एक चीज. ठीक है, मेरे को बोलो जब मैं दोनों को सब्ट्रैक करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? एक्स्ट्रा रेवेन्यू. दिस विल नॉट बी एक्स्ट्रा प्रॉफिट, दिस विल बी एक्स्ट्रा रेवेन्यू. इसके अंदर से क्या लेस करूं? एक्स्ट्रा कॉस्ट. बस मेरे को एक्स्ट्रा कॉस्ट, तुम लोग ये सम देख के मेरे को बोलो एम के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना है? 80 लाख. बस दिस विल स्टार्ट टू गिव यू एक्स्ट्रा प्रॉफिट एंड लॉस. एक बार एक्स्ट्रा प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा ना, लॉस को ब्रैकेट में डालना, कंक्लूजन वगैरह मत देना. ऑल दोस कंक्लूजन आई विल बी गिविंग, क्योंकि इसके बाद एक और पार्ट सॉल्व करने का बाकी होगा, वो हम लोग इकट्ठा ही करेंगे. ओके, मेरे ख्याल से फॉर एनी रीजन यू डू नॉट रिक्वायर दिस फॉर्मैट. ओके, आई एम शोइंग यू ऑल द क्वेश्चन, यू ऑल स्टार्ट एंड फिनिश. ओके, मैं तुम लोग को क्वेश्चन इस वक्त वो दिखा रहा हूं जिन लोग को चाहिए. तुमको इतने क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी जो इस वक्त स्क्रीन पर है. जो तुम्हारा सेकंड पार्ट है वो डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग वाले पार्ट है. जितना स्क्रीन पर है मेरे ख्याल से उससे तुम लोग को सारा का सारा जो डेटा है वो तो मिल जाएगा. गुड आफ्टरनून वत्सल, हिमांशु, ध्रुव, प्रीतिका, साहिल. हाँ, वो करेक्ट है कुशल. चिराग करेक्ट है बेटा. चिराग वो करेक्ट है. आगोश करेक्ट है. एक मिनट और दे रहा हूं, प्लीज फिनिश. एक्स्ट्रा प्रॉफिट एंड लॉस इज 20 लाख का प्रॉफिट फॉर एम, लॉस फॉर एन ऑफ 4 लाख एंड पी के लिए लॉस ऑफ 16 लाख आता है प्रथम. करेक्ट है बेटा. आई एम राइटिंग जस्ट द नंबर्स ओवर हियर. 10 लाख्स, 6 लाख्स, 10 लाख्स, 4 लाख्स, नहीं 14 लाख्स. ये हो गया तुम्हारा सेल्स वैल्यू मेथड. उसके बाद जो नोशनल जो आउटपुट मेथड है, 24 लाख्स, 8 लाख्स, 4 लाख्स, 4 लाख्स. ठीक है, उसके बाद ये वाला जो है दिस इज 20 लाख्स,
दिस इज 4 लैक्स, दिस इज 10 लैक्स, दिस इज 6 लैक्स. दिस इज नोशनल सेल्स वाली मेथड. अच्छा, और ये वाला चीज प्रोसेस करेगा तो 120 लैक्स, 40, 48, वैसे ही बेच देता तो 20, 12, 28. तो भाई एक्स्ट्रा कितना कमा रहा है? 100 लैक्स, 28 लैक्स और उसके बाद 20 लैक्स. वो एक्स्ट्रा के लिए तेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना? 80. दिस इज 32 एंड दिस इज 36. तो ये आ जाएगा 20 लैक्स, 4 लैक्स, 16 लैक्स. एनआरवी मेथड के हिसाब से ये आंसर है बेटा. एक सेकेंड ना, ये लास्ट वाला इज गोइंग टू बी 12. ये 12 लैक्स है ना? 12 लैक्स. ये टोटल कितना हो जाता है? 80 लैक्स ना? ठीक है, चलो सुनो. ये जो है तुम्हारा काम हो गया. मतलब मेरे को इतना तो जरा बोलो, आगे क्या प्रोसेस करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अपने को M आगे प्रोसेस वो करना चाहिए और N और P को अपने को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे भेज देना चाहिए. अभी ध्यान से सुनना जो मेरा नेक्स्ट सेंटेंस वो होने वाला है. मेरे को बोलो, करंटली हम लोग क्या आगे प्रोसेस करते हैं? हम लोग तो करंटली सभी कुछ आगे प्रोसेस करते हैं. वो तो चलो आगे प्रोसेस हो ही नहीं सकता, तो उसके बारे में मैं क्या बोलूं. तो अगर तू N और P को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही भेज देगा ना, जो अपना रिकमेंडेशन है, तुमको समझ में आएगा प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 20 लैक्स. तुमको समझा जो मैंने बोला? क्योंकि जो लॉस हो रहा था फिर वो वाला लॉस नहीं होएगा ना अपने को, तो अपना जो प्रॉफिट है विल बी इंक्रीजिंग बाय 20 लैक्स. ठीक है, तो एक काम जरा करो, यहां पे पहले ना कंक्लूजन लिख के रखो. राइट डाउन, राइट डाउन. एम शुड बी प्रोसेस्ड इंटू सुपर एम. M should be processed into super M. Next line पे N and P, N and P should be sold at split of point. फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन पे लिखना, इफ अबव रिकमेंडेशन इज फॉलोड, इफ अबव रिकमेंडेशन इज फॉलोड कॉमा, प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 16 लाख प्लस 4 लाख इज इक्वल टू 20 लाख. प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 16 लाख प्लस 4 लाख इज इक्वल टू 20 लाख. नेक्स्ट साइन पे ना ये वाला चीज का हेडिंग दो, लिखो इफेक्ट ऑन रेकमेंड, इफेक्ट ऑफ रेकमेंडेशन ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट.
हाँ कुशाल, बट वी आर शोइंग दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो. अच्छा यहां पे लिखना बिफोर द रिकमेंडेशन. अच्छा मेरे को एक चीज जरा बोलो, व्हाई डू यू ऑल अपोर्शन ज्वाइंट कॉस्ट? फर्स्ट डे किया था वैल्यूएशन ऑफ फॉर पोजीशन वैल्यूएशन ऑफ वो स्टॉक. इस क्वेश्चन के अंदर तो कोई स्टॉक वगैरह नहीं है, तो ऑनेस्टली खुद ब खुद जरा सोचो, अगर कंपनी का प्रॉफिट निकालना है मेरे को अपोर्शनमेंट से क्या करना है बेटा? तो 40 लाख को कोई भी फालतू रेशियो के ना डिवाइड कर ले, 40 लाख तो 40 लाख ही रहेगा. ये मैं तुम लोगों को क्यों बोल रहा हूं, मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना प्रोडक्ट वाइज नहीं निकालने वाला. ओके, मैं बस पूरी कंपनी का यहां पर आंसर निकाल रहा हूं, ठीक है? तो जब तक हमारा रिकमेंडेशन नहीं था तब तक हम लोग क्या क्या बेच देते थे, तो लिखो सुपर एम, सुपर एन, लेकिन ओ के आगे सुपर वर्ड मत डालना, सुपर पी. दिस इज बिफोर आर रिकमेंडेशन. हम लोग सब कुछ आगे प्रोसेस करते थे, तो कितने कितने का सेल्स हो जाता था? 120 लाख, 40 लाख. देखो मेरे पास यहां पर नंबर्स हैं बेटा सारे, ऊपर पी का जो है 48 लाख, और ओ तो वैसे भी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही बिकेगा 20 लाख. इसका टोटल मार लो, लेस ज्वाइंट कॉस्ट. मेरे को बाइफरकेशन से कुछ करने का ही नहीं है, इट इज 40 लाख ओनली. 228 आता बेटा के टू, ठीक है 228 लाख लेस. ऑब्वियसली एक और कॉस्ट भी तो था, कौन सा कॉस्ट? पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट. पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट सुपर एम के लिए भी लगता था, एन के लिए भी लगता था, सुपर पी के लिए भी लगता था, सब सुपर के लिए पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट लग जाता था. कितने का? 80 लाख, 32 लाख, 36 लाख, 148 लाख. तो दिस वॉज जब तक हम लोगों ने अपना रिकमेंडेशन जो है वो नहीं दिया था, 120 लाख का प्रॉफिट आता था. दिस इज आफ्टर द रिकमेंडेशन. अभी हम लोगों ने बोला कि सिर्फ एम को ही आगे प्रोसेस करने का, तो सेल सुपर एम का होएगा, लेकिन एन ओ और पी, एन तो वैसे भी चलो ओ तो वैसे भी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही बिकता था. सर अभी 40 लाख का प्रॉफिट आएगा ना? ये 40 लाख आता है. अच्छा ओके, 228 माइनस 40 माइनस 140, में क्या कर रहे हैं यार, 40 लाख. चलो आगे, आफ्टर द रिकमेंडेशन. अच्छा अभी एन और पी हम लोग स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही बेच देंगे. एन और पी अगर स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचेंगे तो 12 लाख, 28 लाख टोटल मारो, लेस ज्वाइंट कॉस्ट 40 लाख, लेस 180 लेस पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट. अभी सब लोग एक ही बारी में करेक्ट बोलना, मेरे को बोलो अभी पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट सिर्फ कौन से प्रोडक्ट के लिए आएगा? एम. तो आई एम राइटिंग सुपर एम ओवर हियर, 80 लाख. तो प्रॉफिट जो है 60 लाख हो जाएगा, तो 20 लाख से बढ़ गया ना. दैट्स व्हाट वी ऑल हैड टोल्ड इन द कमेंट अबव दैट आल्सो.
चलो आर जॉब इज ऑल टुगेदर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13, वन ऑफ आर बेस्ट क्वेश्चंस, और जहां पे एवरी मेथड दैट वी ऑल हैव डन विल स्टार्ट टू बी कमिंग, इंक्लूडिंग सम अदर मेथड दैट आई हैव नॉट डन विद यू ऑल, क्योंकि वो वाला मेथड कोई डिफाइंड मेथड ही नहीं है, वो वाला मेथड सब बोलेगा वी विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ओके, अच्छा मेरे को एक चीज का आंसर देना, मैं वैसे ही पूछ रहा हूं जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट एंड नथिंग एल्स, ऐसे ही बस मेरे को बोलो, सेल्स के अंदर से अगर मैं जीपी लेस करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, सीओ जी एस के सीओ एस, आराम से सोचो, आराम से सोचो, सीओ जी एस, एक मिनट मेरे को बोलो, जीपी कौन से अकाउंट के अंदर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, और सीओ जी एस और सीओ एस के अंदर भाई बहुत फर्क होता है, सीओ एस के ना एडमिन और एस एन डी भी आता है, एडमिन और एस एन डी आर पीएनएल अकाउंट आइटम्स यार, सो सेल्स माइनस जीपी ऑलवेज गिव्स यू सीओ जी एस नॉट सीओ एस, ठीक है, बस इतना जरा जो है इफ यू ऑल नो आई थिंक इट शुड बी ओके। अभी इस क्वेश्चन को पढ़ के तुम लोग को बहुत सारी भूख वो लगने वाली है, कई लोग काउंट भी करता रहता है कि चॉकलेट वर्ड कितनी बार आया इस क्वेश्चन के अंदर, ओके लेकिन उसका कुछ यूज नहीं है, पढ़ो, कैडबरी चॉकलेट्स मैन्युफैक्चर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स चॉकलेट प्रोडक्ट्स, इट परचेजेस कोको बीन्स एंड परचेजेस देम इनटू टू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, चॉकलेट पाउडर लिकर बेस, मिल्क चॉकलेट लिकर बेस, ठीक है, दीज टू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बिकम सेपरेटली आइडेंटिफाइबल एट अ सिंगल स्प्लिट ऑफ पॉइंट, चलो ठीक है, एवरी 500 पाउंड्स ऑफ कोको बीन्स yields 200 gallons of chocolate powder liquor base and 30 gallons of milk chocolate liquor base. तो एक मिनट, हमारा यहां पे जो काम है, we make chocolate या chocolate powder, हम लोग coco beans purchase करते हैं, उसको process करते हैं, तो अपने दो products produce हो जाते हैं, लिखा हुआ है टू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, टू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स गिव्स मी अ हिंट, जो आगे जाके आपको पता भी चलेगा कि शायद हम लोग इनको आगे प्रोसेस करते होंगे, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज इंटरमीडिएट, ओके मैं शॉर्ट फॉर्म में यूज करता हूं सीपीएलबी एंड एमसीएलबी, ठीक है, ये जो सीपीएलबी है और एमसीएलबी है, अगर 500 पाउंड ऑफ कोको बीन्स का प्रोसेसिंग किया तो 20 gallons ऑफ चॉकलेट पाउडर लिकर बेस निकलता है, 30 gallons ऑफ मिल्क चॉकलेट लिकर बेस निकलता है, ठीक है, आगे चल पड़ते हैं, द चॉकलेट पाउडर लिकर बेस इज फर्दर प्रोसेस इनटू चॉकलेट पाउडर, तो चॉकलेट पाउडर लिकर बेस को आगे प्रोसेस किया जाता है चॉकलेट पाउडर के अंदर, एवरी 20 gallons ऑफ चॉकलेट पाउडर लिकर बेस yields 200 pounds ऑफ चॉकलेट पाउडर, मिल्क चॉकलेट लिकर बेस इज प्रोसेस्ड इनटू मिल्क चॉकलेट, Every 30 gallons of milk chocolate liquor base yields 340 pounds of milk chocolate. तो एक मिनट, MCLB को किसके अंदर, एक मिनट, CPLB को किसके अंदर प्रोसेस करते हैं, CP, that is chocolate powder. Milk chocolate liquor base को milk chocolate के अंदर, ठीक है, production and sales for October are cocoa beans processed 7500 pounds. Cost of processing cocoa beans to split off point, including purchase of beans, is 712,500. Obviously, 712,500, तेरा और कुछ नहीं है, तेरा joint cost ही तो है. This is cost of processing cocoa beans till split off point, बोली तो joint cost. आगे, production and sales, और selling price दिया हुआ है. CP का और milk chocolate का, 3,000 pounds, 5,100 pounds, selling price यहाँ पे दिया हुआ है. आगे, In October, separable cost of processing chocolate powder liquor base into chocolate powder are 302,812.5. In October, separable cost of processing milk chocolate liquor base into milk chocolate are 623,437.5. Cadbury fully processes both of its intermediate products into chocolate powder or milk chocolate. ठीक है?
बट देर इज एन एक्टिव मार्केट फॉर दीज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ऑल्सो. तो वो लोग क्या बोलते हैं, हम लोग करंटली CPLB और MCLB को आगे प्रोसेस करते हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट्स के लिए भी मार्केट है. जैसे पिछले क्वेश्चन के ना एम एन और पी के लिए थी. इन अक्टूबर कैडबरीज कुड हैव सोल्ड चॉकलेट पाउडर लिकर बेस फॉर 997.5 अ गैलन एंड मिल्क चॉकलेट लिकर बेस फॉर 1235 अ गैलन. परफेक्ट रिक्वायर्ड. कैलकुलेट हाउ द जॉइंट कॉस्ट ऑफ 712500 वुड बी एलोकेटेड बिटवीन चॉकलेट पाउडर एंड मिल्क चॉकलेट लिकर बेस अंडर द फॉलोइंग मेथड्स. ए सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, बी फिजिकल मेजर, थर्ड एस्टिमेटेड NRV. ये एक नया मेथड आ गया, कॉन्स्टेंट ग्रॉस मार्जिन. बाकी पार्ट्स मैं अभी पढ़ ही नहीं रहा हूं, ठीक है, वो मैं इसके बाद पढ़ लूंगा. ठीक है, अभी क्या करता हूं, यहां पे ना डेटा थोड़ा बहुत वो स्कैटर्ड वगैरह है, मैं पहले ना एक डायग्राम वो बना रहा हूं जो तुम लोग मेरे साथ बनाना. ठीक है, उसके बाद ना तुम्हारा सारा का सारा जो भी डेटा है ना इस क्वेश्चन का उसी एक चार्ट के अंदर आ जाएगा. उसके बाद तुमको डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी. वी विल ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द सम ओनली देन. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं. यू ऑल राइट नाउ प्लीज लिखिए, टाइटल दो जरा लिखो, अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट. अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, एक सेकेंड, फर्स्ट विल मेक दैट चार्ट ओनली. सॉरी, वी विल, यू ऑल डोंट गिव द टाइटल, वी विल स्टार्ट अवे विद दैट चार्ट ओनली. ठीक है, सुन, चार्ट के लिए तुमको जो भी चाहिए ऑलमोस्ट वो इधर है. ठीक है, सुन, पहले मेरे को जरा बोलो, तुम लोग किस चीज का प्रोसेसिंग करके अपने प्रोडक्ट्स को लाते हो? कोको बीन्स. पेज के सेंटर में ना एक ऐसा लाइन बनाओ, यहां पे लिखना कोको बीन्स. अच्छा, मेरे को जरा बोलो, कोको बीन्स को आगे प्रोसेस किया, अपना जॉइंट कॉस्ट का खर्चा कितना हुआ? 712,500. जो भी रुपीस वाला फिगर्स है ना, आई एम राइटिंग देम इन रेड कलर, यू ऑल माइट नॉट बी डूइंग दैट. ठीक है, अच्छा, मेरे को जरा बोलो, जैसे ही प्रोसेसिंग खत्म होता है दो प्रोडक्ट्स बाहर आते हैं, मेरे को वो दो प्रोडक्ट्स का शॉर्ट फॉर्म बोल दो. CPLB एंड MCLB. तो आई एम राइटिंग ओवर हियर CPLB, उसके बाद MCLB. डब्बे के अंदर डाल दो. अच्छा, एक लाइन छोड़ना, उसके बाद एक एरो मारना जैसे वो मैंने मारा है. मेरे को बोलो CPLB जो है गेट्स कन्वर्टेड इनटू विच पर्टिकुलर प्रोडक्ट? CP, दैट इज चॉकलेट पाउडर, एंड दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू मिल्क चॉकलेट. ठीक है, सुनो, अभी ना सम के अंदर यहां पर जो डेटा है ना, यहां पर जो डेटा है, ठीक है, यहां पर जो डेटा है, मैं उसको ब्लू के अंदर वो लिखने जा रहा हूं. ठीक है, और वो वाला डेटा मैं जो है, आई विल पुट ओवर हियर, आई विल पुट ओवर हियर, आई पुट ओवर हियर, आई पुट ओवर हियर, आई पुट ओवर हियर. ठीक है, ये वाला डेटा क्या है जरा पढ़ो. एवरी 500 pounds, हर 500 pounds ऑफ कोको बीन से 20 gallons CPLB निकलता है, 30 gallons MCLB निकलता है. तो यहां पे आप लोग लिख के रखना 500 pounds. पाउंड के लिए तुम लोग LBS भी यूज कर सकते हो. £500 प्रोसेस करेंगे तो MCLB 20 गैलन निकलता है. तुमको यहां पे कन्वर्जन्स की कोई जरूरत नहीं है, अपना सम उसके बगैर सॉल्व हो ही जाएगा. यूजुअली अगर तुम लोगों को कन्वर्जन्स की जरूरत पड़ी, दे विल गिव यू दोस कन्वर्जन्स कि एवरी पाउंड इज कितना गैलन, दे विल गिव यू. ओके, एंड एक मिनट, ये 30 gallons ही था ना, 30 gallons. ठीक है, सुन, तो ये हो गया तुम्हारा एक डेटा, ये हो गया तुम्हारा एक डेटा. अभी CPLB को भी तो आगे प्रोसेस करते हैं. लक बाय चांस एक चीज अच्छा हुआ,
एवरी 20 gallons ऑफ चॉकलेट पाउडर लिकर बेस yields 200 pounds ऑफ चॉकलेट पाउडर. तो यही 20 gallons से ये कितना निकल जाता है, 200 pounds. अच्छा एक और चीज, ये 30 gallon से एवरी 30 gallons ऑफ मिल्क चॉकलेट लिकर बेस yields 340 pounds ऑफ मिल्क चॉकलेट. तो यहां पे लिख देना 340 pounds. लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ये जो मैंने ब्लू के अंदर लिखा है ना, दिस डेटा इज रिलेटिव टू 500 pounds ऑफ कोको बीन्स. लेकिन इस पीरियड के अंदर, ये जो मंथ है ना, ये अक्टूबर का मंथ है. इस मंथ के अंदर अभी मैं ऊपर वाला डेटा वो छुपा रहा हूं, सुनो, वो अभी डेटा अपने को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. ये जो अभी अभी मैंने डेटा ब्लू के अंदर लिखा था ना, दिस इज इन रेफरेंस टू ओनली 500 पाउंड्स. लेकिन मेरे को बोलो अक्टूबर के अंदर कितना कोको बीन्स प्रोसेस किया, 7500. तो इन रियलिटी इट वॉज 7500 पाउंड्स. आई एम राइटिंग दैट थिंग इन वायलेट कलर. तो 7500 पाउंड्स. तो अभी तुम लोग क्या करने वाले हो, यू आर गोइंग टू बी डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेनी टाइम्स नाउ. ठीक है, 500 से 20 निकलता है तो 7.5 से कितना निकलेगा, तुमको कैलकुलेशन समझा, अपना कैलसी उठाओ और कंप्यूट करो. 500 से 20 निकलता है, 500 से 20 निकलता है तो 7,500 से कितना निकलेगा, वो कितना आता बेटा, 300 gallons. अभी यहां पर लिखना 300 gallons जिधर मैंने लिखा है. अभी बस क्रॉस मल्टीप्लाई ही मैं करता जा रहा हूं. 500 से 20 निकलता है, सॉरी 500 से 30 निकलता है तो 7.5 से कितना निकलेगा, 450 gallons. किसी को नहीं समझा तो 500 से 30 निकलता है तो 7,500 से कितना निकलेगा, 450. ठीक है, आगे 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 सुनो. इन दिस केस नो फर्दर. अभी तुमको नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ जाएगा. 20 बिकम्स 200, सो 300 विल बिकम हाउ मच. नाउ बिफोर यू अप्लाई योर मैथ्स, यू एंड आई आर प्रीटी ओके इन मैथ्स बेटा. दिस हैज बिकम 10 टाइम्स नो यार. तो अभी मैं क्या तुमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाऊं, दिस विल ऑल्सो बिकम 10 टाइम्स नो. तो यहां पे लिख लेना 3000 पाउंड्स. लेकिन दूसरे वाले का तुम लोग को कंप्यूट ही करना पड़ेगा बेटा. 30 बिकम्स 340, तो 450 बिकम्स हाउ मच, 5100. तो यहां पर 5100 पंप्स. ठीक है, सुन, अभी तुम लोग कैंसिल मत करना, लेकिन मैं कैंसिल कर रहा हूं. ठीक है, यू ऑल डोंट डू इट. ये भी ब्लू वाले डेटा की ना अपने को कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग प्लीज वो डिलीट मत करना प्लीज. ओके, तो इन एनी केस इस ब्लू का काम इज ऑल टुगेदर ओवर. ठीक है, ये वाला जो काम है तुम्हारा हो गया. ठीक है, अभी मेरे को क्या चाहिए, तुम लोग को इतना समझ में आएगा, ये वाला दो फिगर्स जो है ना तुम्हारी बुक के अंदर प्रिंटेड है. वैसे देखो तुम लोगों को दिखाई दिया कि 3000 एंड 5100 इज प्रिंटेड समवेयर. ठीक है, सो दैट इज जस्ट अ स्मॉल चेक कि हम लोगों ने जो भी किया है वो वाला काम करेक्ट है. ठीक है, अभी स्क्रीन तुम्हारे सामने है, मेरे को बोलो सीपीएन एमसी गेट सोल्ड एट व्हाट सेलिंग प्राइस, 190 एंड 237.5. ठीक है, तो आई एम राइटिंग इन रेड ओनली नाउ. तो यहां पर लिखना एट द रेट ऑफ 190 at the rate of 237.5 multiply कर लो, that will be better. 5,70,000 237.5 into 5100.
1211250. All rupees figures are in red just for your reference. ठीक है, अच्छा सुनो, मेरे को बोलो, लेकिन सामने अपने को लास्ट पैराग्राफ के अंदर एक और चीज भी तो बोला था कि ना हम लोग सीपीएलबी और एमसीएलबी को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर भी बेच सकते थे। मेरे को बोलो किस प्राइस के ऊपर बेच सकते थे? 997.5 अ गैलन एंड 1235 अ गैलन। तो यहां पर लिख के रखना 997.5 अ गैलन, यहां पे 1235 अ गैलन, मल्टीप्लाई करो। इनफैक्ट इसके ना ऑलमोस्ट तुम्हारे सारे वर्किंग नोट्स वगैरह भी खत्म हो ही रहे हैं इस चार्ट के अंदर। 299,250,555,750 आगोश, यू कैन शो दिस एज योर वर्किंग नोट ऑल्सो, दिस इज ऑल ओके। आगे सुनो सर, नंबर्स का लिखा है 299,250, कैलसी ले और कंप्यूट करना भाई। आगे सुनो, मेरे को जरा बोलो सीपीएलबी को सीपी के अंदर कन्वर्ट करेगा तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का खर्चा होएगा। मेरे को बोलो वो खर्चा कितना है बेटा? 3028.12.5। अभी सामने डेसिमल्स के अंदर दिया ना, प्लीज उसको राउंड ऑफ नहीं करना, ठीक है? सामने ही वैसा दिया है तो राइट डाउन ओवर हियर 3028.12.5 और उसके बाद एमसीएलबी को एमसी के अंदर कन्वर्ट करने का खर्चा 6,23,437.5। बस तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर जो भी कुछ था ना, मैंने यहां पर लगा दिया है। सो एवरीथिंग आई हैव पुट ओवर हियर। नाउ यू डू नॉट रिक्वायर एनीथिंग एज सच फ्रॉम द क्वेश्चन, एवरीथिंग दैट वी तो एवर वांटेड। इनफैक्ट बहुत सारा जो कैलकुलेशन है वो भी अपना काम जो है वो यहां पर हो ही गया है, ठीक है? सुनो, अभी इसके बाद वी आर स्टार्टिंग अवे, इनफैक्ट यू आर स्टार्टिंग अवे विद द फर्स्ट थ्री मेथड्स एंड दैट इज डिटो सेम एज योर लास्ट क्वेश्चन। तो आई विल नॉट बी डूइंग एनी वर्किंग नोट, यू विल बी डूइंग ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स। पढ़ लेना, कुछ चीजें बोलना, उसके बाद स्टार्ट करना। कैलकुलेट हाउ द जॉइंट कॉस्ट ऑफ 712,500 जो पिछली बार 40 लाख था वो पिछले क्वेश्चन के अंदर वुड बी एलोकेटेड बिटवीन चॉकलेट पाउडर लिकर बेस एंड मिल्क चॉकलेट लिकर बेस अंडर द फॉलोइंग मेथड्स। ओके, तो जैसे पिछली बार हम लोगों ने ये वाले तीन नोट्स बनाए थे, ठीक है? तो यहां पे यू ऑल हैव योर थ्री मेथड्स एज सर। बस यहां पे तुम्हारे प्रोडक्ट्स का नाम क्या है बेटा? वन इज सीपीएलबी एंड वन इज एमसीएलबी। तुम्हारे जॉइंट प्रोडक्ट्स का जो नाम है वो तो यही है, ठीक है? अच्छा, अंडर द फॉलोइंग मेथड्स, अभी मेरे को तुम लोग बस फटाफट ये वाला चार्ट देखकर बोल देना इन व्हाट रेशियो। तुम लोग को वैसा ही स्टेटमेंट्स वो बनाना पड़ेगा जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर था, ठीक है? मेरे को फटाफट वो बोलना। मेरे को बोलो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मतलब मेरे को बोलो विच नंबर विल गेट डिवाइडेड इन व्हाट रेशियो। बोलो 712,500 इज द जॉइंट कॉस्ट, अगर सेल्स वैल्यू मेथड है उसको किस रेशियो के लिए डिवाइड कर दूं? 299,250 एंड 555,750। सो इज दैट ओके? ठीक है। सेकंड, अगर आउटपुट मेथड फॉलो करेगा 712,500 किस रेशियो के अंदर जाएगा? 300:450, जितना भी तुम्हारा आउटपुट है। और सुनो सुनो लास्ट वाला, आई एम नॉट आस्किंग यू ऑल, आई एम टेलिंग यू ऑल, जब नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड फॉलो करोगे तो हम लोग ये वाले कॉलम्स बनाएंगे। जरा विजुअलाइज तो करो, प्रोडक्ट सीपीएलबी एमसीएलबी, फाइनल सेल्स वैल्यू, फाइनल सेल्स वैल्यू विल बी दिस, फाइनल सेल्स वैल्यू विल बी दिस, लेस पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट विल बी दिस, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट विल बी दिस। इज दिस ऑल ओके? तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, ये हरे और ये हरे को सब्ट्रैक्ट करके अपने को नोशनल सेल्स वैल्यू मिल जाएगा। इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करके नोशनल सेल्स वैल्यू मिल जाएगा। 712,500 को उस रेशियो के ने डिवाइड कर देना, काम हो जाएगा तुम्हारा? ओके, एग्जैक्टली मेक द वर्किंग नोट्स जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर थे, तो मेरे को यहां पर कुछ बताने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? सो इन एनी केस आई एम जस्ट शोइंग द रिक्वायर्ड पार्ट।
ओके बट एवरी नंबर दैट यू रिक्वायर इज देयर इन दिस पर्टिकुलर चार्ट ओनली, यहां पे कोई और चीज की कोई जरूरत नहीं है. अभी सम मत पढ़ना, डायरेक्टली स्टार्ट अवे विद द कैलकुलेशंस एज सच. अगर चाहते हो तो मेरे साथ यू ऑल कैन राइट डाउन दिस और एक ही बार फिर नंबर्स वगैरह वो डालना. तो यहां पे जरा लिखो पार्ट वन अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट बेस्ड ऑन, सबसे पहले ए सेल्स वैल्यू मेथड, यहां सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. प्रोडक्ट्स सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, उसके बाद जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन, सीपीएलबी MCLB. तो दिस विल बी 712,500 और ये 299,250 और 555,750 की रेशियो के ना डिवाइड हो जाएगा. बस मैं अभी बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं, आई हैव डन इनफ. इसके बाद पार्ट बी तुम्हारा आउटपुट मेथड विल कम. तुम लोग स्टार्ट करो. उसके बाद पार्ट सी दैट विल बी योर नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड. तुम उसको एनआरवी मेथड बोलोगे तो भी चलेगा. पांच मिनट में प्लीज खत्म करो. हाँ कुशल वो करेक्ट ही है बेटा. Yeah. 249,375, 463,125. Second वाला 285,427. हाँ चलेगा चलेगा चलेगा. उसके बाद हाँ लास्ट वाला एनआरवी 222,656,4 हाँ 844. अच्छा सुन पार्ट डी स्टार्ट कर लेते हैं. अभी ये जो पार्ट डी है तुम्हारा, ठीक है, ध्यान से सुनना जरा. पार्ट डी इज क्या? देखो अभी ये मेथड का नाम, ऑनेस्टली मैंने भी जब ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट टाइम किया था मैंने कभी नहीं सुना था. ओके क्योंकि शायद ये कोई मेथड है ही नहीं. सामने बोल दिया अप्लाई दैट,
कॉन्स्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज, कॉन्स्टेंट। अब मैं सोचता हूं ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज बोले तो जीपी रेशियो, मेरे को बोलो जीपी रेशियो कैसे कंप्यूट होता है इन रियल लाइफ? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 ना, आई थिंक आज तक तुम लोगों ने जीपी रेशियो तो वैसे ही किया, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, तो मैं तो जीपी रेशियो वही सोचेगा। लेकिन उन लोगों ने एक और वर्ड ऐड कर दिया कॉन्स्टेंट। अभी कॉन्स्टेंट का मतलब, एक सेकेंड बेटा, तेरे दो प्रोडक्ट्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? कॉन्स्टेंट मतलब दोनों को सेम जीपी रेशियो ही अप्लाई होगा, और मैं क्या सोचूं यार अभी, ठीक है? दो प्रोडक्ट्स हैं तो दोनों के लिए कॉन्स्टेंट होगा। तो देखो एक लाइन बोलता हूं, अगर फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए जीपी रेशियो कुछ है, सेकेंड प्रोडक्ट के लिए भी जीपी रेशियो अगर वही है, पूरी कंपनी का भी जीपी रेशियो वही होएगा। तुमको समझा? ओके, मैं तुमको कोई भी एग्जांपल दुनिया का दे सकता हूं। अगर सपोज मैं तुमको बोलूं सेल्स लेस कॉस्ट गिव्स यू जीपी, प्रोडक्ट ए है सपोज 10,000, 25% इज जीपी रेशियो, तो ये 2,500 आ जाएगा, ठीक है? ये प्रोडक्ट बी है 15,000, सपोज उसका भी जीपी रेशियो 25% ही है, तो 15,000 इनटू 25% विल बी 3,750। तो अगर मैं यहां पे टोटल निकाल के काम करेगा ना तो भी जीपी रेशियो 25%। तुमको समझा? अगर मैं यहां पे 25,000 दोनों का टोटल मार लूं, ओके, और अगर मैं ये दोनों का टोटल मारूं प्लस 2,500 आ जाएगा 6,250 बेटा, दिस अपॉन दिस इनटू 100 विल आल्सो बी 25% होनी नो, ठीक है? तो कांस्टेंट का मतलब दोनों प्रोडक्ट्स को भी वही अप्लाई होगा, ऑटोमेटिकली कंपनी को भी वही अप्लाई होगा, ठीक है? अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है तुमको, सोचना उसके बाद बोलना मेरे को, बोलो ग्रॉस प्रॉफिट यू गेट व्हेनेवर यू सेल, नो करेक्ट? नो मेरे को बोलो व्हाट डू यू सेल इन द मार्केट, मेरे को सोच के बोलना व्हाट डू यू सेल इन द मार्केट, मेरे को नाम बोलना। वी सेल सीपी एंड एमसी, वी डोंट सेल सीपीएलबी एंड एमसीएलबी, इज दिस क्लियर? यस सर। हम लोग यहां पे सम के अंदर लिखा हुआ है कि ये वाला कंपनी दोनों इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को, देखो यहां पे कैडबरी फुल्ली प्रोसेसेस बोथ ऑफ इट्स इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स इनटू चॉकलेट पाउडर और मिल्क चॉकलेट, ओके, सो इट प्रोसेसेस बोथ ऑफ देम, ठीक है? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल इन दिस पर्टिकुलर केस इज दैट वी आर प्रोसेसिंग बोथ ऑफ देम, तो अपने को ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है वेन एवर वी सेल, ठीक है? तो यहां पे ना ये दो तीन चीजें लिखो दैट आई हैव टोल्ड वो राइट नाउ। पहले यहां पे मेथड का नाम दो, कॉन्स्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज, कॉन्स्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज। नेक्स्ट लाइन पे लिखना, कॉन्स्टेंट मीन्स इट विल बी सेम फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स। एंड हेंस इट विल बी सेम फॉर द कंपनी ऑल्सो। अच्छा नेक्स्ट लाइन पे एक और चीज जरा लिखो, कंपनी अर्न्स जीपी, कंपनी अर्न्स जीपी व्हेन इट सेल्स एंड कंपनी सेल्स सीपी एंड एमसी। चलो अभी लेट्स कंप्यूट दैट ग्रॉस मार्जिन। तो यहां पे जरा लिखो कैलकुलेशन ऑफ कॉन्स्टेंट
ग्रॉस मार्जिन ऑफ द कंपनी। अच्छा सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से सुनना मेरी बात, अपने को जीपी रेशो चाहिए। अगर एडमिन और एसएनडी दिया भी रहता तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने वो इग्नोर किया रहता। इज दिस अंडरस्टूड? यस। क्योंकि एडमिन और एसएनडी तो पीएनएल अकाउंट के अंदर आता है, राइट? ओके तो यहां पे आप लोग लिखो सीपी एमसी, यहां पे लिखना कंपनी। सबसे पहले सेल्स, वी सेल सीपीएनएमसी। बेटा इनका सेल्स वॉज 5,70,000, उसके बाद 12,11,250। अपने चार्ट के अंदर देखो, एवरी फिगर दैट वी रिक्वायर इज ओवर हियर। 1,781,250। अच्छा सुनो, सेल्स के अंदर से जीपी निकालने के लिए मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही लेस करूंगा बेटा, एडमिन और एसएनडी लेस नहीं कर सकता। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का भी दो पार्ट्स आएगा यार, वन ऑफ देम विल बी जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट अलग अलग नहीं है, लेकिन मेरे को चाहिए भी नहीं। तो जॉइंट कॉस्ट 712,500 है। मेरे को जरा बोलो, एक और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना अपना, मेरे को नाम बोलो। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, तो यहां पे पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट तुम्हारे चार्ट के अंदर से ले लो या टेक्स्ट बुक के अंदर से, 302,812.5, उसके बाद 623,437.5। नहीं यार, 926,250 आता है। तो यहां पर ग्रॉस मार्जिन, कुणाल बराबर है बेटा, वो सब्ट्रैक्ट करो, मेरे को प्रॉफिट बताओ पूरी कम। 142,500। अभी ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज, तो 142,500 डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, देखो 8% आएगा। आ गया 8%? यस सर। अच्छा, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है। अभी यहां पे वर्ड कांस्टेंट था, कांस्टेंट मतलब इट इज एप्लीकेबल टू बोथ द प्रोडक्ट्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यही 8% इधर भी अप्लाई हो जाएगा, यही 8% इधर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सुन, अभी ना तुम लोग क्या करो, वरना तुम लोग को दिक्कत होएगा बाद में रेफर करने के लिए। ये ना नंबर्स लिख के रखो, हम लोग कैसे गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अभी तक हम लोग ने 9 नंबर्स लिखा है इन दिस ऑर्डर। सुनो, अभी अगर तुम्हारे पास कोई और कलर का पेन है तो अभी वो यूज करना। देखो, यही 8% मैं इधर भी डाल रहा हूं और इधर भी डाल रहा हूं, क्योंकि कांस्टेंट है बेटा। अगर ऐसा एरो मारने का है तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, तो यही वाला 8% दोनों जगह पे कॉपी हो जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है। सुन, 5,70,000 इंटू 8% मारेगा तो ग्रॉस मार्जिन यहां पर मिल जाएगा। तो 5,70,000 इंटू 8% ये आ जाएगा 45,600। एंड 121,250 इंटू 8%
96900। सुनो तुम लोग अभी क्या करो, ये वाले नंबर्स भी जरा लिखो, यहां पर भी 10 लिखना, यहां पर भी 10 लिखना, यहां पर चलो 11 लिख दो, यहां पे 12 लिख दो। अभी क्या करो, गो रिवर्स एंड कैलकुलेट दीज टू एज अ बैलेंसिंग फिगर एंड दैट विल बी नथिंग बट योर 13 एंड 14। मेरे को दो पार्ट जरा बोलना। 2215875। एक सेकंड फिर से बोलो एक बार। 2215875। सब लोग अलग अलग कैसे बोल रहे हैं, रुको रुको रुको। 5,28% माइनस, एक सेकंड, 2215875। और दूसरा वाला बेटा 4909125.5। ठीक है, सो चलो, योर वर्क इज कंप्लीटली डन। अच्छा, कोई बोलते सर अपोर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट तो हुआ ही नहीं। हो तो गया बेटा, 712500 का ब्रेकअप चाहिए था, तो ये वाला मेथड कुछ ऐसे ही काम करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले जीपी रेशियो निकाला पूरी कंपनी का, प्रोडक्ट्स को अप्लाई किया, उसके बाद रिवर्स जाके हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। सो देयरफॉर यहां पे ना एक लाइन लिख के रखना ताकि ये कभी ना लगे कि हम लोगों ने तो सॉल्व ही नहीं किया। देयरफॉर अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट बेस्ड ऑन दिस मेथड विल बी टू टू वन फाइव एट सेवन पॉइंट फाइव एंड 4909125.5। सब कैसे बताना जॉइंट कॉस्ट कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर आया मैडम, दिस फिगर माइनस दिस फिगर विल गिव यू टोटल ऑफ दीज टू, उसके अंदर से ये वाला चीज सब्ट्रैक्ट किया, तो दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर। नो चलो सुनो, अभी ये हो गया तुम्हारा एक पार्ट, ठीक है, योर दिस पर्टिकुलर पार्ट इज ऑल टुगेदर डन। ठीक है, अभी उसके बाद सेकंड पार्ट कर रहा हूं। सेकंड पार्ट लिखने के अंदर इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा वो गलती है, उन लोगों को माफ वो कर देना, वो अपनी गलती नहीं है, वो उनकी गलती है। पार्ट टू पढ़ो जरा प्लीज। व्हाट इज ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज ऑफ चॉकलेट पाउडर एंड मिल्क चॉकलेट लिकर बेस अंडर द मेथड्स इन रिक्वायरमेंट वन। वो लोग क्या बोलते हैं, ये चारों केसेस के अंदर हर प्रोडक्ट का जीपी रेशियो कितना आएगा। ठीक है, रुको रुको रुको, अभी गलती क्या है, मेरे ख्याल से ना इन लोगों को ये दोनों वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो लोग ग्रॉस मार्जिन पूछ रहे हैं एंड ग्रॉस मार्जिन यू गेट व्हेन एवर यू सेल। मेरे को बोलो, व्हाट डू यू सेल इन द मार्केट? सीपी एंड एमसी। यू डोंट सेल द लिकर बेसिस बेटा, वो तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो करंटली वी सेल चॉकलेट पाउडर एंड मिल्क चॉकलेट लिकर बेस। ऑल्दो अपने को आइडिया लग जाता है, क्योंकि उन लोगों ने मेरे को ग्रॉस मार्जिन तो वो पूछा हुआ है, लेकिन सम के हिसाब से वो एक एरर है। ठीक है, आईसी ने जो आंसर दिए तो ऑब्वियसली वो तो करेक्ट ही है, ओके, लेकिन इनको लिकर बेस वर्ड यहां पे यूज नहीं करना चाहिए था। सुनो सुनो सुनो, अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, बराबर से सुनना, दिस इज क्वाइट ईजी, लेकिन यहां पे कैलकुलेशन वो काफी ज्यादा है। उन लोगों ने मेरे को क्या पूछा है, व्हाट इज द ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज ऑफ चॉकलेट पाउडर एंड मिल्क चॉकलेट लिकर बेसिस। ठीक है, तो यहां पर दिस इज पार्ट टू, एक मिनट के बाद बस वो स्टार्ट करना, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज अंडर। सुन, यहां पे सबसे पहले आपको चारों बार ये वाला क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना है, तो सेल्स वैल्यू मेथड। ठीक,
नाउ इन दिस केस नो हम लोग क्या करेंगे, सीपी आ जाएगा, एमसी आ जाएगा, टोटल बनाने का है तो तुम्हारी मर्जी, वरना इट इज नॉट मच रिक्वायर्ड। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, बराबर से सुना व्हाट आई एम सेइंग। देखो तुमको ना क्या चाहिए कि चारों मेथड्स के ना ग्रॉस मार्जिन कितना आता है। ठीक है, मेरे को बोलो सीपी का सेल्स कितना है, थोड़ा फटाफट बोलना, बोलो 5,70,000। यहां पे 1211250, ओके, दोनों का टोटल, तो इनफैक्ट अपने पास यहां पर है, दिस इज 1781250, अगर लास्ट कॉलम बनाने का है तो 1781250। ठीक है, सुनो, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट अपने पास था मेरे ख्याल से, दैट इज नथिंग बट इन दिस केस 3022812.5 एंड 623437.5। ठीक है, 437.5 तुम्हारे पास उसका वो टोटल भी था ऊपर 926250। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, अभी तुमको क्या करने का है, 926250 जॉइंट कॉस्ट 712500 है, लेकिन बेटा जॉइंट कॉस्ट का ना ब्रेकअप तूने चार बार अलग अलग मेथड से किया है, तो जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, आप लोग जॉइंट कॉस्ट का ब्रेकअप क्या लेने वाले हो, जो यहां पर आया था 249375। ठीक है, 249375, और वो जो दूसरी वाली वो जो फिगर थी, जैसे ही हो जाएगा यू विल बी डूइंग दिस माइनस दिस माइनस दिस, सो देयरफॉर यू विल बी एबल टू अराइव एट योर ग्रॉस मार्जिन, फिर उसके बाद यू आर गोइंग टू बी डूइंग दिस माइनस दिस माइनस दिस, यू विल बी अराइविंग एट दिस। इनफैक्ट इसके लिए नो गेसेस, सब लोगों को समझ में आ जाएगा, दिस पर्टिकुलर फिगर विल बी नथिंग बट 142500, नो इन एनी केस, ओके, करेक्ट नो? यस सर। 142500 तो यहां पर भी निकाला ही था ना बेटा, ओके, बस एक बार वो वाला काम कर लोगे, फिर उसके बाद एक लास्ट काम कैलसी के ऊपर करना, दिस अपॉन दिस इंटू 100, दिस अपॉन दिस इंटू 100, घोंचू की तरह दिस अपॉन दिस इंटू 100 मत करना, क्योंकि वो वाला आंसर, बोलो आगे, 8%, वो तो 8% ही आएगा। ठीक है, अगर कोई मेथड के अंदर तुमको यही वाला जो काम है ना बेटा, चार बार वो करने का है, लेकिन सुनो ICAI ने घोंचू की तरह वो वाला काम चार बार किया, तुमको समझ में आएगा, चार बार नहीं करने का बेटा, बोलो तीन बार ही करने का, क्योंकि लास्ट केस के अंदर तो 8% ही आएगा ना आंसर, समझा तुम लोगों को? तो जब तुम लोग आउटपुट मेथड फॉलो करोगे, कैन यू से दीज टू नंबर्स विल चेंज, नो? हर एक केस के अंदर तुम्हारा जॉइंट कॉस्ट का जो ब्रेकअप है वो लेते रहना बेस्ड अपॉन द मेथड, ऐसा तो एक आउटपुट मेथड यू ऑल कैन फिनिश। कभी कभी जीपी रेशियो नेगेटिव भी आ सकता है, तो नेगेटिव लिखना प्लीज, ठीक है? उसके बाद इन दिस पर्टिकुलर केस योर एनआरवी मेथड, ओके, दैट ऑल्सो यू ऑल फिनिश, और उसके बाद लास्ट वाला जो काम है ना, दैट आई एम फिनिशिंग इट ऑफ, ग्रॉस मार्जिन या फिर वो कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन, वो परसेंटेज, वहां पर ना कुछ लिखने का ही नहीं, सीपी एमसी टोटल, ओके, और यहां पे डायरेक्टली तुम लोग लिख देना ग्रॉस मार्जिन, वहां पे कोई स्टेटमेंट वगैरह वो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे भी कितना आएगा, 8%, यहां तुमको समझा ना कि वो 8% ही आएगा बेटा। अगर तू यही वाले नंबर्स लेकर फिर से सोचेगा सर आंसर क्या आएगा बेटा, वो तो 8% ही आएगा ना यार तेरा, ठीक है? तो इन एनी पर्टिकुलर केस वहां पे 8% 8% 8%, ठीक है? तुम लोग अभी ये वाला चीज स्टार्ट करो और खत्म करो, स्टार्ट एंड फिनिश प्लीज। ये बड़ा क्वेश्चन था इन एग्जाम्स, दिस वाज, यू राइट द फिगर एज अ नेगेटिव फिगर, ये दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर 16 मार्क्स इन इन एग्जाम, सो इट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन ऑल्सो, स्टार्ट करो।
माइनस के अंदर लिख लेना। पार्ट जब तुम्हारा पार्ट हो जाए, पार्ट थ्री के लिए आई एम डूइंग समथिंग, तुम लोग को उससे समझ में आ जाएगा दैट व्हाट हैज टू बी डन एंड यू देन विल बी एबल टू फिनिश इट ऑफ। तुमको जो भी चाहिए तुम्हारे चार्ट के अंदर सारे के सारे नंबर्स हैं। मैं तुमको दो मिनट और दे रहा हूं टू फिनिश ऑफ पार्ट थ्री। परसेंटेज को राउंड ऑफ कर दिया तो चलेगा बेटा, उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग दैट फिगर तो समवेयर एल्स, तो टू डेसिमल्स तक रखो, दैट विल बी बेटर। टू डेसिमल्स तक तो रखा करो द परसेंटेजेस। पार्ट थ्री में एक बार पढ़ देता हूं। कुड कैडबरीज हैव इंक्रीज इट्स ऑपरेटिंग इनकम बाय चेंज इन इट्स डिसीजन टू फुल्ली प्रोसेस बोथ ऑफ इट्स इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, शो योर कैलकुलेशन। मतलब वो लोग यही पूछ रहे हैं क्या आगे प्रोसेस करें, क्या आगे वो नहीं प्रोसेस करें, तो वो डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग वाले पार्ट है। तो मैंने तो इनफैक्ट जो फॉर्मेट है कॉपी कर लिया फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन, आप लोग खत्म करो। कुशाल जो नंबर्स हैं बेटा चेक कर देना। ओके बराबर है बेटा। बराबर है या हाँ मैं एक सेकंड, देयर सम पीपल हु डोंट हैव द क्वेश्चन आल्सो। आराम से करो, दो मिनट हैं तुम्हारे पास। क्या दिखाऊं, वो स्टेटमेंट दिखाऊं? दैट इज कॉपीड फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन ओनली बेटा। बराबर बराबर बराबर।
कितना आता बेटा 3 2, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, बराबर? यस सर। एक मिनट लास्ट दे रहा हूं टू फिनिश ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर लेफ्ट प्लीज। चलो आई थिंक ऑल पीपल शुड बी डन ओवर हियर। अच्छा एक चीज, क्योंकि एग्जाम के अंदर कई लोगों ने ऐसे किया था, प्लीज याद रखना दोनों का ना कंबाइन कैलकुलेशंस मत करना प्लीज, पागलों की तरह, बिकॉज यू हैव एन ऑप्शन टू प्रोसेस वन प्रोडक्ट फर्दर एंड नॉट प्रोसेस द अदर प्रोडक्ट फर्दर। कई लोग क्या कर लेते हैं, और शायद तुम लोग को ये वाला चीज समझ में भी आएगा, अगर आप इसका और इसका टोटल मार के एक ओवरऑल कैलकुलेशन वो करते ना, तो एंड के अंदर आंसर इस क्वेश्चन के अंदर जीरो आता। तुमको समझा ये वाला चीज? बिकॉज दिस नेगेटिव इज इक्वल टू दिस प्रॉफिट। ओके, तो यू ऑल कैन बी राइटिंग डाउन वन कंक्लूजन, कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर यू विल प्रोसेस फर्दर और नॉट, लेकिन वो गलत है। यू हैव टू बी डूइंग इट प्रोडक्ट वाइज। सेम थिंग वी ऑल हैड डन इन द लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो। हम लोगों ने ये तीनों प्रोडक्ट्स का काम जो है वो अलग अलग ही किया था ना, तो इन दिस केस ओके, तो प्लीज डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग हर प्रोडक्ट के लिए इंडिविजुअली ही करने का, ठीक है? चलिए, योर दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 14 यू ऑल कैन लीव टू साइड्स, क्वेश्चन नंबर 15 यू ऑल कैन लीव टू साइड्स, सो फोर साइड्स यू ऑल कैन लीव। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये छोटा सा क्वेश्चन है, 10 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर वो हो जाएगा। ओके, आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए प्लीज। दिस इज वन क्वेश्चन ओनली ऑन डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग एंड नथिंग एल्स। यहाँ पे डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग के अलावा कुछ है ही नहीं पूरे क्वेश्चन के अंदर। EXC लिमिटेड is considering possibility of undertaking a single production process which jointly produces 4 products in standard proportions. ठीक है, तो कोई एक joint process से 4 products बाहर आ जाते हैं। The output from each 10 kg batch of raw material input together with net realizable value per kg of output immediately after the split of point is. तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, आउटपुट फ्रॉम ईच 10 केजी बैच ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट, अगर आप लोग 10 किलो ऑफ रॉ मटेरियल अंदर डालते हो तो बाहर क्या क्या आता है वो लोग तुमको बता रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो बिकेगा तो किस प्राइस के ऊपर बिकेगा वो तुमको वो भी बता रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने रॉ मटेरियल अंदर डाला तो ABCD बाहर आएगा, आउटपुट पर 10 केजी इनपुट। 10 किलो अंदर डाला तो ए का आउटपुट कितना बाहर आएगा, 4 केजी, बी का 3, सी का 2 और लास्ट वाले का 1। ठीक है, आगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर केजी ऑफ आउटपुट 8, 4, 10 × 2। इन लोगों ने ना कंफ्यूज करने के लिए एक काम किया, ABCD को ना मटेरियल बोल दिया, लेकिन याद रखना ABCD मटेरियल नहीं है, इसलिए बाजू वाले कॉलम के ना उन लोगों ने क्लैरिफाई किया है दिस इज आउटपुट पर 10 केजी इनपुट। तो तुम्हारा रॉ मटेरियल तो एक ही होएगा, लेकिन 4 प्रोडक्ट्स बाहर आता है ABCD, लूजली उन लोगों ने उसको मटेरियल का नाम बोल दिया। ठीक है, अच्छा 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 सुनो, अगर 10 किलो अंदर डालते हो तो ए का आउटपुट कितना आता है, 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1।
ये चारों का टोटल जरा मारो ऑन कैलसी, कोई कैलसी यूज किया अभी? चलो सुनो पागल लोग, अभी वो 10 kg आता है, कोई बोलते सर वो तो 10 ही आना चाहिए था, नहीं, अगर इनपुट 10 कर रहे हो, अगर आउटपुट भी 10 आ रहा है, आगे कुछ बोलो, मतलब देर इज नो लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, जितना हम लोगों ने अंदर मटेरियल डाला उतना बाहर भी आ गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट लाइन ना वॉज द मोस्ट कंफ्यूजिंग लाइन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, बट बिफोर रीडिंग दैट लाइन आई एम रीडिंग द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। रिक्वायर्ड डिटरमिन विच प्रोडक्ट शुड बी प्रोसेस्ड फर्दर, क्वेश्चन बस यही है कौन सा प्रोडक्ट आगे प्रोसेस करने का कौन सा नहीं करने का। सो दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज अबाउट डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है। मेरे को जरा बोलो, फॉर फाइंडिंग डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग व्हाट डेटा इज ऑलवेज यूजलेस? जॉइंट कॉस्ट। तो ये दोनों लाइन के अंदर ना तेरे को जॉइंट कॉस्ट भी दे रहे हैं, वो मैं कंप्यूट करके तुमको दिखा दूंगा लेकिन वो यूजलेस होएगा। पढ़ो, द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग ईच 10 kg बैच इनपुट बैच आर ₹12। प्रोसेसिंग कॉस्ट के ऊपर अंडरलाइन करो और लिखो डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्रोसेसिंग कॉस्ट को कन्वर्जन कॉस्ट भी बोलते हैं, पिछले चैप्टर के अंदर मैंने बोला था कन्वर्जन कॉस्ट या प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो वो लोग क्या बोलते हैं, 10 kilo के बैच को अगर प्रोसेस किया तो ₹12 का खर्चा होगा एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट इज ₹4 पर kg। स्क्रीन पे देखना कुछ यहां पर वो बता रहा हूं, यहां पर आप लोग 10 kilo ऑफ रॉ मटेरियल खरीदते हो, ठीक है। रॉ मटेरियल खरीदने का बेटा जो कॉस्ट है, रॉ मटेरियल खरीदने का जो कॉस्ट है कितने रुपीस का है? 4। तो ये 40 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये 10 kilo को प्रोसेस करते हो और सारे के सारे 10 kilo को प्रोसेस करने का जो कॉस्ट है ना वो कितने रुपीस का है? 12। तो अगर कोई बंदा मेरे को ऐसा पूछता सर जॉइंट कॉस्ट कितना है, मैं बोल देता 52। 52 इज द जॉइंट कॉस्ट फॉर प्रोसेसिंग 10 kg, ठीक है। आई हैव कैलकुलेटेड द जॉइंट कॉस्ट बट जॉइंट कॉस्ट विल बी इररेलेवेंट फॉर यू। व्हाई इट विल बी इररेलेवेंट? क्योंकि क्वेश्चन इज ऑल अबाउट वेदर यू वॉन्ट टू प्रोसेस द प्रोडक्ट फर्दर और नॉट, ठीक है। यहां पर अपने को जॉइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट वगैरह कुछ पूछा ही नहीं। अच्छा एक मिनट, जैसे ही प्रोसेस खत्म होता है 4 प्रोडक्ट्स बाहर आ जाते हैं, इन व्हाट प्रपोर्शन बेटा? 4, 3, 2 and 1 kg, ठीक है। तो इतना 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 बाहर आ जाता है। अभी आगे पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा हुआ है, फॉर ईच ऑफ द 4 मटेरियल्स जॉइंटली प्रोड्यूस्ड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग बिफोर सेल। तो ये चारों प्रोडक्ट्स को हम लोग आगे प्रोसेस कर सकते हैं। द प्रोसेसिंग विल एंटेल बोथ मैनुअल ऑपरेशन, बोले तो वर्कर काम करेगा, एंड मैकेनिकल प्रोसेसिंग, मतलब मशीन्स वगैरह भी लगेगा, एज वेल एज इनकरिंग सम कॉस्ट डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू ईच प्रोडक्ट, ठीक है। डिटेल्स ऑफ द रिसोर्सेज यूज्ड इन एंड अ कॉस्ट इनकर्ड बाय फर्दर प्रोसेसिंग एज वेल एज फाइनल प्राइस पर kgR। तो अगर आप लोगों ने ABCD को आगे प्रोसेस किया तो हर किलो जो आप प्रोसेस करोगे कितना कितना आवर्स लग जाएगा, कितना कितना मशीन आवर्स लग जाएगा? 2 kg, 6 kg, 4 kg, 2 kg। कितना कितना लेबर आवर्स लग जाएगा? 1, 1, 5 and 2। कितना डायरेक्ट कॉस्ट लग जाएगा? 4, 2, 3 and 2। उसके बाद जब बेचोगे तो इस प्राइस के ऊपर बिक जाएगा। अदर डायरेक्ट कॉस्ट, बोले तो ये वाला कॉस्ट, अदर डायरेक्ट कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट बट एक्सक्लूड्स अ कॉस्ट ऑफ लेबर ऑल्सो अ वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 3 per hour। और सम का रिक्वायर्ड पार्ट बहुत सिंपल है, रिक्वायर्ड डिटर्मिन विच प्रोडक्ट शुड बी प्रोसेस फर्दर विच शुड नॉट बी प्रोसेस फर्दर, ठीक है। सुन अभी मैं तुम लोग को ना इस क्वेश्चन के अंदर एक ऐसा हिंट दे रहा हूं दैट विल सॉल्व योर ट्रबल्स टू सम एक्सटेंट। देखो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोग 10 किलो अंदर डालते हो तो मेरे को बोलो ए का आउटपुट कितना आता है? 4 kg। तुम लोग क्या करो बेटा, ये जो डेटा है ना एक एक किलो के लिए दिया हुआ है, ये वाला जो डेटा है ना दिस इज सेलिंग प्राइस पर kg, ठीक है। ये सारा का सारा डेटा जो है एक एक किलो के लिए, ये भी जो डेटा है ना बेटा, ये जो सेकंड टेबल है ये भी सारा का सारा एक एक किलो वाला ही डेटा है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर लो, आप लोग ना कैलकुलेशन 1 kg ऑफ ए, 1 kg ऑफ बी, 1 kg ऑफ सी और 1 kg ऑफ डी के लिए कर लो। अगर एक एक किलो प्रॉफिटेबल है, अगर एक एक किलो प्रॉफिटेबल है
तो मतलब सब कुछ प्रॉफिटेबल ही है ना। अगर 1 किलो आगे प्रोसेस करेगा और प्रॉफिट होएगा, तो जितने भी किलो आगे प्रोसेस करेगा तो प्रॉफिट ही होएगा। सो वी आर गोइंग टू बी डूइंग कैलकुलेशंस फॉर 1 1 kg ऑफ ABCD। तो मेरे को ये वाला भी डेटा अल्टीमेटली काम में ही नहीं आएगा, ये जो यहाँ पे 4 kg है, 3 kg है, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन फॉर 1 1 kg। ठीक है, आप लोग 2 lines क्वेश्चन के अंदर लिखो, फिर उसके बाद ट्राई करना। यू ऑल राइट डाउन लिखो, दिस क्वेश्चन इज अबाउट depth of processing. This question is about depth of processing. Full stop. Therefore, joint cost is irrelevant. इसको नोट 1 बोलना, अभी नोट 2 भी लिखो। शायद ये वाले नोट्स एग्जाम्स के ना कोई जरूरत भी नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग ताकि फॉर रिविजन इट इज ईजी। सेकेंड वाला जरा वो लिखना, वी परफॉर्म कैलकुलेशंस फॉर वन केजी ऑफ ईच प्रोडक्ट। Full stop. If it is profitable to process 1 kg, comma, it will be profitable to process the entire output. नेक्स्ट लाइन पे लिखना, एक टाइटल दो, डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग, डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग। ये वाला चीज पहले फेयर के अंदर कॉपी कर लो, जितना लाइंस वो मैंने छोड़ा है तुम लोग भी छोड़ना, जिधर भी। ये हो जाए तो मेरे को बोल दो, आई विल शो यू ऑल द क्वेश्चन ताकि यू ऑल कैन स्टार्ट टू सॉल्व। ओके, प्रथम वो गलत है। अभी आराम से ये वाला चीज करो, मेरे को चारों प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट या लॉस बताना। विदुषी गलत है, प्रथम गलत है। सम ध्यान से पढ़ना, जो सम के ने लिखा है वो इंप्लीमेंट करो। ये डेटा तो पूरा यूजलेस है क्योंकि ये जॉइंट कॉस्ट के बारे में है, तो ये तो पढ़ना ही नहीं। हिमांशु करेक्ट है बेटा, मैं 2 मिनट के बाद आई स्टार्ट टू बी डूइंग इट। साक्षी गलत है,
विजित गलत है। ध्रुव मेरे को प्रॉफिट या लॉस बताना बेटा। विदुषी करेक्ट है। चिराग गलत है। ध्रुव लास्ट वाला गलत है बेटा। वंशिका रॉन्ग है, विजित रॉन्ग है, हर्षी रॉन्ग है, वत्सल करेक्ट है, सिमरन गलत है, आगोश 83 गलत है बेटा, तूने शायद कैलकुलेशन एरर किया। रोहन करेक्ट है, कुणाल करेक्ट है, तनीषा करेक्ट है। सुनो, नाउ आई विल डू द थिंग्स। देखो, प्रोसेस करके बेचोगे तो इतना मिलेगा, ये लिख लो। 17, 13, 36, 9। आगोश करेक्ट है। अच्छा, वैसे ही बेचते तो इतना मिलता बेटा, 8, 4, 10 into 8, 4, 10 into। तो हम लोग देख रहे हैं एक्स्ट्रा कितना मिलेगा बेटा। एक्स्ट्रा मिलेगा 9, एक्स्ट्रा मिलेगा 9, एक्स्ट्रा मिलेगा 26, एक्स्ट्रा मिलेगा 7। अच्छा सुनो, अभी ये देख लो भाई, ये एक्स्ट्रा प्रोसेस करने के लिए, कृतिका वो करेक्ट है। सुनो, एक्स्ट्रा प्रोसेस करने के लिए तुम्हारा खर्चा कितना होगा। अभी खर्चे के अंदर एक तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट दिया हुआ है, वो लिखो। डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्टली दिया हुआ है 4232। उसके बाद एक डायरेक्ट लेबर भी है, वर्कर भी काम करेगा। लेकिन सुनो, वर्कर को पेमेंट दोगे ना यार, वर्कर को किस रेट के हिसाब से पेमेंट दे रहे हैं, 3 per hour। अच्छा, जब वर्कर को 3 rupees पर आर दे रहा है, उसको एक एक यूनिट बनाने के लिए कितना कितना आर लग रहा है, 1152। तो पगार कितना देंगे, 3, 3, 15 और 6। बस एक्चुअली सम तुम्हारा खत्म हो गया। कोई बोलता है सर आपने इधर 3 lines क्यों छोड़ा था, तुमको कंफ्यूज करने के लिए। सुनो, कोई बोलता है सर मशीन आर्स का कॉस्ट आपने क्यों नहीं लिया, मैं क्यों लू। सम के अंदर क्लियरली एक लाइन लिखा हुआ है, अदर डायरेक्ट कॉस्ट, बोले तो ये वाला कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट, ओके, बट एक्सक्लूड्स अ कॉस्ट ऑफ लेबर, ऑल्सो वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 3 per hour। इस अदर डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर तेरे सारे के सारे खर्चे आ गए बेटा, सिर्फ एक कॉस्ट नहीं आया है, बोलो कौन सा, लेबर। मतलब जो भी मशीन का कॉस्ट था वो आ गया उसके अंदर। तो बस इन दोनों के अलावा और कोई कॉस्ट अभी है ही नहीं अपना, काम खत्म हो गया। दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 8, दिस इज -1। प्रोसेस एबीसी फर्दर, सेल डी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। चल
सो दिस जॉब इज ऑल टुगेदर डन. मेरे ख्याल से आज के लिए वी ऑल विल स्टॉप इट अप ओनली. सो आवर वर्क फॉर टुडे इज डन. आई विल सी ऑल इन टुमारोज लेक्चर.